दोस्तों आइए जानते हैं कैसे हुई भाई दूज की शुरुआत। यमराज की बहन यमुना उसे बहुत प्यार करती थी और उनसे मिलने के लिए ज्यादा व्याकुल रहती थी। एक दिन अश्विन कुमार यमुना का संदेश लेकर यमराज के पास गए। अश्विन कुमार अपने हाथों में अमृत कलश लिए हुए थे। वे यमराज को श्री हरि के अमृत का पान कराते हैं और कहते हैं, यमदेव बहन यमुना आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही है, अतः आप बहन यमुना से एक बार अवश्य मिलिए। अमृत पान करके यमराज की अंतर मन की कठोरता और क्रूरता कुछ कम हो जाती और उसी के फल स्वरूप वो हंसते मुस्कुराते हुए अश्विन कुमार से कहते हैं, आप निश्चिंत होकर घर लौट जाइए, मैं बहन यमुना से मिलने अवश्य जाऊंगा। बहन यमुना मैं आ रहा हूँ। यमराज के ये वचन सुनकर अश्विन कुमार प्रसन्नता पूर्वक यमलोक से लौट जाते हैं और फिर यमराज चित्रगुप्त को अपना आदेश देते हुए कहते हैं, चित्रगुप्त हम अपनी बहन यमुना से मिलकर शीघ्र ही लौट आएंगे, तब तक तुम यमलोक की कार्य व्यवस्था का पूरा ध्यान रखना। ये कहकर यमराज वहाँ से चले जाते हैं और अगले ही पल अपनी शक्ति से यमुना के सामने संदेश स्वरूप अपनी छवि को प्रकट करते हैं। उस समय यमुना उनसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रही थी। यमराज यमुना से कहते हैं, बहन यमुना निराश ना हो, मैं यमलोक का एक बहुत ही अनिवार्य कार्य करने जा रहा हूँ, जैसे ही मेरा काम पूर्ण हो जाएगा मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगा। तब यमुना कहती हैं, सच भैया अवश्य आओगे ना? यमराज कहते हैं, हाँ बहन अवश्य आऊंगा। ये कहकर यमराज अंतर ध्यान हो जाते हैं और यमुना उनकी प्रतीक्षा करने लगती है। काफी देर तक उनके आने की प्रतीक्षा करते करते उनका हृदय पूर्ण व्याकुल हो उठता है और वो सोचती है, क्या यम भैया मुझसे मिलने आएंगे भी या नहीं, कहीं अपनी कार्य व्यवस्था के स्वरूप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उनके समक्ष अश्विन कुमार प्रकट होते हैं और यमुना का उत्तेजन चेहरा देखकर और उनके व्याकुल हृदय का अनुभव करते हुए कहते हैं, बहन यमुना व्याकुल ना हो, यमराज तुमसे मिलने अवश्य आएंगे, क्योंकि श्री हरि के अमृत का सेवन करने के पश्चात उनकी क्रूरता कोमलता में परिवर्तित हो गई है। उनके मन से क्रूरता और निर्मलता का मैल सदैव के लिए धुल गया है बहन। ये कहकर वो चले जाते हैं और यमुना अपने धारा में खड़ी होकर उनकी राह देखती रहती हैं। किंतु जब यमदेव काफी देर तक भी उसके पास लौटकर नहीं आते तो वो पूर्ण निराश होकर सोचने लगती है, शायद भैया को अपने कार्य व्यवस्था के आगे अपनी बहन का स्मरण ही नहीं रहा, या फिर अमृत पान करके भी उनके मन की निमंता समाप्त नहीं हुई, अब मुझे अपनी धारा में विलीन हो जाना चाहिए, भैया नहीं आएंगे। यमुना ये कह ही रही थी कि उसे यमदेव का स्वर सुनाई देता है। वो कहते हैं, बहन यमुना निराश ना हो, मैं आ गया हूँ, अब मैं जब तक तुम्हारी इच्छा होगी तब तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आज तेरा भाई बहुत दिनों बाद तुझसे मिलने आया है, इसलिए जी भर कर बातें करेंगे। यमुना यमदेव से मिलकर और उनकी स्नेह भरी बातें सुनकर गदगद हो जाती है और उनको अपने जल महल में ले जाती है और वो यमदेव से स्नेह से कहती है, भैया मेरी इच्छा है कि मैं अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर आपको खिलाऊं, इसलिए आप विश्राम करो, तब तक मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। यमराज कहते हैं, ठीक है बहन ले आओ, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ बैठकर भोजन के वर्षों बीत गए। फिर यमुना अपने भाई के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती है और फिर यमदेव को अत्यंत स्नेह के साथ भोजन कराती है। यमदेव भोजन और फलहार खाकर अत्यंत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बहन यमुना तुम्हें जो भी वरदान चाहिए तुम मुझसे मांग सकती हो, क्योंकि आज तुम्हारा ये भाई तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करने के लिए तत्पर है। यमुना कहती है, भैया यदि आप सच में प्रसन्न हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की ये तिथि भाई बहन के पावन प्रेम और अटूट रिश्ते का एक आदर्शक पर्व बन जाए। तब यमराज कहते हैं, तथा अस्तु, ऐसा ही होगा यमुना बहन। यमुना कहती है, भैया एक और बात, आज के दिन भाई अपनी बहन के घर भोजन करने आए उसे लंबी आयु और सुख समृद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसा वरदान भी दीजिए। यमुना के ऐसा कहने पर यमदेव अत्यंत प्रसन्न भाव से कहते हैं, आज के बाद ये पावन दिवस यम द्वितीय और भाई दूज के नाम से जाना जाएगा। बहन ये सुनकर यमुना प्रसन्न होकर यमदेव से कहती है, अब भाई दूज की विधि अनुष्ठान और फल प्राप्ति के विषय में भी बता दो भैया। तब यमदेव कहते हैं, इस दिन जो भाई अपनी छोटी बहन के घर आकर भोजन करेगा और उसे फलस्वरूप उपहार देगा मैं उसको अकाल मृत्यु के भय से मुक्त कर दूंगा, सुख समृद्धि का वरदान भी दूंगा। ये सुनकर यमुना की प्रशंसा का ठिकाना नहीं रहता और वो कहती है, भैया अगर किसी की छोटी बहन ना हो तो वो क्या करे? तब यमराज कहते हैं, बहन यमुना वो अपनी बड़ी बहन के घर जाकर स्नेह पूर्वक भोजन करे, उसे उपहार दे। ये सुनकर यमुना कहती है, एक बात और बताइए भैया। तब यमदेव कहते हैं, पूछो पूछो यमुना बहन, तुम्हें जो भी भाई दूज के बारे में पूछना है दिल खोल कर पूछो, ताकि इस संसार में भाई बहन भाई दूज के व्रत का भरपूर लाभ उठा सके। तब यमुना कहती है, भैया अगर किसी
की कोई बहन ही ना हो तो वो भाई दूज का फल कैसे प्राप्त कर सकता है। यमुना की ये बात सुनकर यमदेव कहते हैं वो अपनी सौतेली ममेरी या चचेरी बहन के घर भोजन कर सकता है या फिर वो किसी भी स्त्री को मन कर्म वचन से अपनी बहन बना ले और उसके घर भोजन कर ले और उसे उपहार दे, उससे भी मैं प्रसन्न होऊंगा और उसे अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। तब यमुना कहती है पर यदि ये भी संभव ना हो सके तो वो क्या करे। तब यमदेव कहते हैं यदि ये भी ना हो सके तो वो किसी नदी या गाय को अपनी बहन मानकर उसकी सेवा करे, उससे भी उसे फल की प्राप्ति होगी। भाई दूज की विधि अनुष्ठा और उसके फल के महत्व के विषय में जानकर यमुना फूली नहीं समाती और वो प्रसन्न होते हुए कहती है भैया इस यम द्वितीय अथवा भाई दूज की विधि अनुष्ठान और फल व महत्व के विषय में तो आपने स्वयं ही सब कुछ बता दिया। अब तो इस संसार में भाई बहन इस पर्व का लाभ उठा सकते हैं और भाई बहन के प्यार की डोर को सदैव अटूट रख पाने में सक्षम हो सकते हैं। फिर यमदेव थोड़ा गंभीर होते हुए कहते हैं यमुना बहन एक और सत्य को जानना जरूरी है कि यदि कोई भाई दूज के दिन अपनी बहन के घर भोजन करने नहीं जाएगा उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। ऐसे भाई पर अकाल मृत्यु का डर सदैव मंडराता रहेगा। ये कहकर यमदेव अपनी बहन यमुना से विदाई लेते हैं। तो दोस्तों ये थी भाई दूज की कथा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख दें जय श्री राम।